अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा लेक्चर है जी सेकेंड ईयर फिजिक्स से, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ करंट। अगर करंट किसी जगह से गुजरे ना, तो वहां पर करंट मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट करके जाता है, यानी कि कुछ असरअंदाज करके जाता है। कहाँ से गुजरता है करंट? इधर से गुजर गया जी? नहीं, करंट ने जब भी गुजरना है वो जाहिर सी बात है एक स्पेसिफिक चीज़ से गुजरता है, जिसे हम मोस्टली कंडक्टर बोलते हैं कि हमारा करंट भी फलां चीज़ से गुजरा है, इसका मतलब है वो कंडक्टर से गुजर रहा है। रबड़ से तो नहीं गुजरेगा, कंडक्टर से गुजरता है। और जब किसी कंडक्टर से गुजरता है तो वहाँ पर इन तीनों में से कोई ना कोई इफेक्ट, तीनों या कोई से दो या एक इफेक्ट तो लाजमी करके जाता है। सबसे पहला है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, और थर्ड है केमिकल इफेक्ट। ये दो को आज हम स्टडी करते हैं, एक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है? कि करंट जब किसी कंडक्टर से गुजरता है ना, तो वहां पर हीट जनरेट करके जाता है। अगर इसकी स्टेटमेंट लिखूं तो मैं इसे लिखूंगा The generation of heat in a conductor when current passes through it कि किसी कंडक्टर में हीट जनरेट हो जाना जब उस कंडक्टर में से करंट पास करेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कब? व्हेन करंट पासिस थ्रू इट। ठीक है। तीसरा केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट को हम कल ही स्टडी करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में ही स्टडी करेंगे कि ये क्या है, इसको फिर हम तभी डिटेल से देखेंगे। तो आज हमने ये दो देखने हैं। सबसे पहला कि एक कंडक्टर जब जिसके अंदर से जब करंट गुजर रहा है तो वो हीट क्यों हो रहा है, उसके अंदर हीटिंग आ रही है क्यों? क्योंकि वो करंट अपनी निशानी छोड़ के जा रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब ये हीटिंग क्यों होती है, इसको देखना है। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, इसको भी देखते हैं। तो आइए पहले हम हीटिंग इफेक्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में लिखा कि कंडक्टर में हीट जनरेट होती है। सबसे पहले तो अगर एक कंडक्टर के अंदर हमने करंट को सस्टेन करवाना है, तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं। अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई भी कंडक्टर है और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से करंट गुजरे, तो आपको पता होगा कि इस कंडक्टर को हम किसी ना किसी सोर्स ऑफ करंट से कनेक्ट करेंगे, जो कि हम कल पढ़ा था, यानी कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसकी वीडियो कॉलिंग मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, इधर भी पिन हो रहा होगा तो आप इधर से भी देख सकते हो। क्या होता है कि इस कंडक्टर के अंदर, मतलब जो सोर्स ऑफ ईएमएफ वाला है, इसके बाद इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जैसे ही हम इसे कनेक्ट करते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है। अब हमें पता है कि ये जो कंडक्टर है इसके अंदर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये है जी फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये अकेले नहीं होंगे। द कंडक्टर ये कंडक्टर यानी कि मेटल की सेंस में बात कर रहे हैं कि मेटल के अंदर एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस एटम्स डैट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। तो ये जो इसके अंदर भाई साहब एटम्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री होते हैं हमारे पास मैटर में, वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी उधर जा रहा है, वो करते रहते हैं। लेकिन जो एटम है ना वो बाउंडेड होते हैं बेचारे, लेकिन चूंकि वो बाउंडेड होते हैं वो अपनी मेन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं यूं,
वाइब्रेशंस कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं, उस असल में इस कंडक्टर ये कोई ना कोई किसी टेम्परेचर पर होगा, यानी कि ये कम अज़ कम भी जितने भी टेम्परेचर पर हो, ये कौन से टेम्परेचर पर नहीं होगा, जीरो केल्विन पर नहीं होगा, क्योंकि जीरो केल्विन टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट जीरो नहीं कर सकते। तो किसी भी टेम्परेचर पर जब होगा तो इसके एटम्स को कुछ ना कुछ हीट मिल रही होगी, इस वक्त कमरे में जो भी एटमोसफेयर है कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, उस हीट को ही एटम्स लेंगे और एटम्स अपनी मेन पोजिशन पर वाइब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको बैटरी कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जल्दी से भागना शुरू कर देंगे, यूं यानी कि ये जो मैंने इतने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ये सारे भागना शुरू कर देंगे। अब इसके आने इसके रास्ते में एटम्स पड़े हुए हैं जो कि इस पूरे मटेरियल में पड़े हुए हैं। अब एटम अगर चल के जा रहा है, यानी कि सॉरी इलेक्ट्रॉन इन मोशन मोशन में चलते हुए इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। कहां से आई, ये बैटरी ने से प्रोवाइड की, कि बैटरी ने इधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया ऐसे समझ लो, और जब इधर जाएंगे तो इनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन्स बड़ी स्पीड से जा रहे हैं तो ये रस्ते में आने वाले, चूंकि अट्रैक्शन आ रही है तो रस्ते में कौन आ रहा है आपके पास, एटम्स। तो एटम्स के साथ ये क्या करते हैं, कोलिजंस, दे कोलाइड विद एटम्स, कौन से एटम्स, वाइब्रेटिंग एटम्स। और जब ये कोलाइड करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कोलिजंस एंड दे लॉस्ट देयर काइनेटिक एनर्जी, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस्ट कर देते हैं। मैंने कहा यार काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब ये टक्कर मारेगा तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी कम होगी, टक्कर मारने से वेलोसिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जब टक्कर होगी तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होने के साथ साथ देयर जनरेट्स हीट एनर्जी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये एनर्जी कहीं ना कहीं जो कम हुई है इसकी जो बाकी वैल्यू है वो कहीं ना कहीं तो गायब हुई होगी, वो कहाँ पर गायब हुई है, वो भाई साहब कोलिजन के दौरान हीट एनर्जी की फॉर्म में जाया हुई है। अब वो जो हीट एनर्जी बनी वो एटम के अंदर बनी, और एटम किसका हिस्सा है, एटम तो यार कंडक्टर का हिस्सा है, इसका मतलब है कि एटम पहले भी हीट से वाइब्रेट कर रहे थे, अब मजीद उनके अंदर हल्की हल्की हीट मिलने लगी तो उनकी वाइब्रेशन और तेज हो जाएगी, जब वाइब्रेशन और तेज होगी तो कोलिजंस और ज्यादा होंगे, जब कोलिजंस और ज्यादा होंगे फिर हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से जब बहुत ज्यादा करंट गुजरता है तो हीट बढ़ती रहती है। अब ये हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अल्टीमेटली कभी कभी तो आपका वो कंडक्टर जल जाता है, जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल है आपका ये जो बल्ब होता है, देसी बल्ब नहीं होता इस तरह वाला जिसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है और जो फिलामेंट हीट होता है और उसके बाद वो बल्ब जलता है, तो आपने देखा होगा ये बल्ब अगर बहुत ज़्यादा देर तक जलते रहे गर्मियों में तो ये अक्सर जल जाते हैं, इसका फिलामेंट जल जाता है, मेल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। इसका मतलब है कि करंट जब भी किसी चीज़ से गुजरता है वहाँ पर उसके एटम से कोलिजन करता है और क्या जनरेट करता है, हीट। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका मोबाइल, आप मोबाइल यूज़ करते हो और मोबाइल के अंदर हीट जनरेट होती है, आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आप में से कई बच्चे गेम्स खेलते हैं हैवी गेम्स जैसे पबजी है फ्री फायर है, जब आप ये गेम खेलते हो तो होता क्या कि आपके मोबाइल ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है, ज़्यादा करंट का मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोलिजन ज़्यादा हीट, तो जिससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होना शुरू होती है और अक्सर लोगों के तो मोबाइल भी ख़राब हो जाते हैं सिर्फ ज़्यादा करंट की वजह से। तो आपने देखा होगा जो लोग गेम ये कंप्यूटर पे खेलते हैं गेम्स, गेमिंग पीसी होते हैं जिन लोगों के पास, उन लोगों ने उसके अंदर स्पेशल कूलिंग सिस्टम रखा होता है, वो कूलिंग सिस्टम बड़े फैंस भी होते हैं या लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है, उसकी वजह क्या है, वो सिर्फ इस हीट जनरेट को कम करना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगी तो ये आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती है। अब ये कितनी हीट जनरेट होती है और कैसे होती है, तो हमें पता है कि हमने अभी प्रीवियस पढ़ा है कि जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है कि हमारे पास जो इस जगह पर पोटेंशियल लगाया वो किसके बराबर है, वर्क ओवर चार्ज। तो यहाँ से वर्क किसके बराबर आ जाएगा, क्यू इंटू वी, और आपको पता है जो क्यू होता है अभी हमने पीछे पढ़ा इस चैप्टर के स्टार्ट में, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी,
ठीक है। तो यहाँ से क्यू, ये जो आपका स्मॉल क्यू है, ये किसके बराबर आ जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई टी। तो क्यू की जगह आ जाएगा आई मल्टीप्लाई बाई टी, और वी इज इक्वल टू होता है आई आर, ये हम आगे ओम्स लॉ में पढ़ेंगे, तो आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो जो हीट है वो वर्क ये बन रहा है, और यही वर्क किस शक्ल में कन्वर्ट हो रहा होगा, एनर्जी, और एनर्जी को हम इसे नाम क्या दे रहे हैं, हीट। तो हीट एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, आई स्क्वायर आर टी। और इस आई स्क्वायर आर टी का दूसरा नाम जो इसे कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट है, जूल्स ने बताया कि जो एनर्जी जनरेट होती है वो आई स्क्वायर आर टी की सेंस में जनरेट होती है। इसके अंदर तो यार हमें टाइम नज़र आ रहा है यार, इसका मतलब है जो चीज़ जितनी ज़्यादा देर तक चलेगी करंट पे, उतनी ज़्यादा उसमें हीट जनरेट होगी, इसलिए बल्ब जलता है ज़्यादा देर जलाने से। और अगर करंट ज़्यादा यूज़ करोगे तो करंट के स्केयर से हिसाब से होगी। तीसरी चीज़ है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या है, ये एटम की ही रेजिस्टेंस है। एटम क्या है, जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे रुकावट है ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर ये रुकावट ज़्यादा होगी किसी चीज़ में, उसमें करंट भी, सॉरी हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। अगर किसी की रुकावट कम होगी तो उसमें हीट कम जनरेट होगी। अब बाजार में पंखा लेने जाते हो ना, तो पंखा अगर सिल्वर का लो, सिल्वर वाइंडिंग का, तो उसकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो पंखा जल्दी गर्म होता है बनिस्बत के कॉपर के, क्योंकि कॉपर का जो है उसकी रेजिस्टेंस कम है, इसलिए कॉपर का पंखा ज़्यादा देर चलने के बावजूद भी हीट कम जनरेट करता है बनिस्बत के अगर हम वही पंखा सिल्वर का लें, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो टाइम बेशक कम भी लगे लेकिन फिर भी हीट कैसी जनरेट होगी, ज़्यादा। इसका मतलब है कि हमें तो बड़ा नुकसान देता है यार हमारी बैटरी, जो कि कल हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि बैटरी क्या प्रोवाइड करती है सिस्टम में, एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब है कि बैटरी की एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट होनी शुरू होती है, ज़ाया हो रही है, किसी के खाते में नहीं आ रही हीट जनरेटिंग इफेक्ट से। तो ये तो बड़ा नुकसानदेह, ये तो हमारे फ़ायदेमंद भी नहीं है। इसकी एक और भी डेरिवेशन है, कुछ ये भी है कि पावर बराबर होती है डब्ल्यू ओवर टी के, यहाँ से डब्ल्यू में आ जाता है पावर इंटू टी, और पावर का फार्मूला आप आगे पढ़ोगे वो बराबर होता है इसके आर टी। तो इसलिए इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसके आर दोनों देखो वही बनते हैं, मतलब इधर से कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जवाब एक ही बनता है, और दोनों ही जाउल्स हीटिंग इफेक्ट ही कहलाते हैं। तो इसका मतलब है ये तो बड़ा ख़तरनाक काम है, बड़ी पैसे मतलब ज़ाया करता है यार, एनर्जी ज़ाया करता है, लेकिन इसकी कुछ यूजेस भी हैं इसी हीटिंग इफेक्ट के, सोचो किधर होंगे। सबसे पहला यूज़ तो इसका है आपकी इलेक्ट्रिक आयरन में, अगर ये ना हो तो आपकी इस्त्री कभी भी गर्म ना हो, क्योंकि ये सारा हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता है। दूसरा आपका इलेक्ट्रिक हीटर, तीसरा ये टोस्टर जो होता है जिसके अंदर ये ब्रेड वगैरह गर्म होती है, ये चौथे नंबर पर हेयर ड्रायर के अंदर भी कॉइल लगी होती है, वो कॉइल हीट होती है और उस गर्म हीट की वजह से उसके अंदर की हवा गर्म होती है और वो गर्म हवा पंखा आपकी तरफ फेंकता है। यानी कि यहाँ पर तो ये फ़ायदेमंद है लेकिन ये नुकसानदेह भी है। इसलिए हीटिंग इफेक्ट असल में है क्या कि करंट जब भी गुजरेगा ना वो ये पंखा करके जाएगा, कहीं पर ये फ़ायदेमंद होगा और कहीं पर नुकसानदेह। जहाँ पर फ़ायदेमंद है हम फ़ायदा उठाएंगे, जहाँ पर नुकसानदेह है इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे इन तीनों फैक्टर्स को देखकर। तो हम इसलिए जो डिवाइसेस होती हैं या तो उनकी रेजिस्टेंस कम करने की कोशिश करते हैं, या अगर दूर दराज तक हीट बिजली पहुँचानी हो तो फिर हम इस आई के फैक्टर को कम करते हैं ताकि हीट कम जनरेट हो। तो ये हम ट्रांसफार्मर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक हो गया, ये था आपका हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास करंट के दूसरे इफेक्ट का नाम। तीसरा इफेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। दूसरा इफेक्ट है आपके पास भाईजान, दूसरे इफेक्ट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्या है, अगर किसी कंडक्टर में करंट गुजरता है ना, तो जिस चीज में से करंट गुजर रहा है, मेटल का है कंडक्टर या कोई भी चीज़ है जिसमें से करंट गुजर सकता है, कंडक्टर ही होता है वो मोस्टली, तो हम उस चीज़ के गिर्द करंट क्या बना देता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। वो ऐसे कि एक साइंटिस्ट आएगा, हम आगे पढ़ेंगे भी, एंड्री मैरी एम्पेयर, इसने कहा कि मूविंग चार्जेस, हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये है कि मूविंग चार्जेस produces magnetic fields। यानी कि एक moving charge
अगर चार्जेस है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते होते हैं, ठीक है। और मूविंग चार्जेस का दूसरा नाम क्या होता है हमारे जुबान में, मूविंग चार्जेस को हम क्या बोलते होते हैं, मूविंग चार्जेस का असली नाम क्या होता है, करंट। क्योंकि जब चार्ज हरकत में आ जाए तो वो क्या बन जाता है, करंट। यानी कि करंट्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने ये बोला, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी बुक ने एक क्लिप बोर्ड बनाया है, तो इस क्लिप बोर्ड को मैं यूं, ये रेड कलर का कंडक्टर है और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक बैटरी से, तो करंट की डायरेक्शन हमें पता है कन्वेंशनल लेनी है। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है इस तरह का कंडक्टर रेड कलर का, इसमें से जब करंट गुजरेगा तो इसके गिर्द क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इधर ये जहाँ पर कंडक्टर है, इस कंडक्टर के गिर्द क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो कि डिपेंड करती है कि इस कंडक्टर में से कितना करंट गुजर रहा है, चार्जेस गुजर रहे हैं, दूसरा इस कंडक्टर के डिस्टेंस से। और जो सर्कुलर फील्ड बन रही है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, यानी कि आर डिस्टेंस और दूसरा इसके गुजरने वाले करंट पर। अगर ये यूंग कंडक्टर है तो इसके गिर जो फील्ड बन रही है वो सर्कुलर बनती है। सिमिलरली अगर इसी कंडक्टर को आप एक लूप की शक्ल दे देते हो, इस लूप को हम आगे नाम पढ़ेंगे इसका सोलेनोइड। तो अगर इस सोलेनोइड को आप करंट से, यानी कि बैटरी के साथ अटैच कर देते हो सोर्स ऑफ करंट से, तो इसमें करंट मूव होना शुरू हो जाएगा। इसके गिर्द भी फील्ड बनेगी जो कि कुछ इस अंदाज की बनेगी, जो कि आम आपके पास परमानेंट मैग्नेट की शक्ल में होती है फील्ड। यूं करके इसके अंदर फील्ड बनेगी, और ये जो फील्ड होगी इसके अंदर वो फील्ड की भी एक डायरेक्शन होगी, और उसके लिए हम नेक्स्ट एक रूल यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं राइट हैंड रूल, उससे इस फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी करंट बनाता है, जब भी चलता है चार्जेस चलेंगे अपने गिर्द, क्या बनाएंगे उस चीज़ के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। इस इफेक्ट का नाम क्या है, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट गुजरेगा, इसमें बनेगी। ये जो इस तरह की क्वाइल है इसको हम आगे नाम देंगे सोलेनोइड। इस सोलेनोइड में से भी जब करंट गुजरेगा तो इसके गिर्द भी फील्ड बनेगी, एक साइड हमेशा नॉर्थ होगी और दूसरी साउथ होगी, लाइक अ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की एक साइड नॉर्थ और दूसरी साउथ, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या बनती हैं, फील्ड लाइंस। तो सिमिलरली इसके भी नॉर्थ से साउथ क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक कंडक्टर जब जिसमें से करंट गुजरता है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनती है, सिमिलरली जैसे कि हमारे पास परमानेंट मैग्नेट के गिर्द बनती है। इसका क्या इस्तेमाल है और ये क्यों इस्तेमाल, मतलब इसकी क्या, इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसकी कैलकुलेशन क्या है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। लेकिन इसकी एप्लीकेशंस क्या है, अब हमें इस, हम इसे यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो इसके यूजेज इधर मैं लिख देता हूँ, इधर ही इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से बनती है, तो इसको हम यूज करते हैं टू मेजर करंट्स। दूसरा, ऑल मशीन्स कंटेनिंग इलेक्ट्रिक मोटर यूजेस दिस इफेक्ट, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट। अब ये करंट को भी मेजर कर सकता है, जैसे मैंने कहा कि फील्ड की वैल्यू करंट पे डिपेंड करती है, इसका मतलब अगर किसी को फील्ड पता चल गई वो करंट कैलकुलेट कर सकता है, और जिसको करंट पता चल जाए तो वो फील्ड भी कर सकता है। इसकी कैलकुलेशन हम मजीद करेंगे। सिमिलरली कि कोई भी मशीन है जिसके अंदर मोटर इस्तेमाल होती है, मोटर हमेशा इसी मैग्नेटिक इफेक्ट पर चलती है, तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये मोटर में इस्तेमाल होता है। तो हर मोटर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट अगर नहीं होगा, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, तो मोटर कभी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ होता है। अब करंट मेजर करने वाले क्या होते हैं, कि अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी वापडा वाले होते हैं, ये हमारे अक्सर ये जो वापडा ड्यूटी होती है और ये चेक करते हैं कि ये जो मीटर्स हैं, कोई बंदा घर में चोरी तो नहीं कर रहा किसी तरह अर्थिंग करके। तो ये क्या करते हैं, जिनके पास एक मैग वो होता है, मीटर होता है, उस मीटर के अंदर ना इस तरह का कुंडा सा बना होता है, वो तार को छीलते नहीं है, बस वो तार के ऊपर उसको लगाते हैं, और हमें उन्हें पता है कि इस तार में से करंट जा रहा है। तो जैसे ही करंट जा रहा होता है उस मीटर के अंदर कैलकुलेशन की होती है, वो करंट के गिर्द बनने वाली फील्ड को डिटेक्ट करते हैं और गुजरते हुए करंट की वैल्यू बता देते हैं। तो वहाँ पर हम करंट को मेजर करते हैं, तो ये वहाँ पर यूज़ होता है। केमिकल इफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।